बाहरी तत्व है जो परेशान करना चाहते हैं, जो खास जगह नहीं बताते हैं और सीधे कहते हैं कि मेरे पूरे वार्ड में नहीं हुआ है। तो अब उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि हर एक जगह सफाई कर्मी उपलब्ध हैं। पालक पदाधिकारी महोदय को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी सजा मुझे देनी है हमारी संस्था उसके लिए सदैव तैयार है। लोकेशन का कैमरा से फोटो खींचा हुआ है सफाई करते हुए, ऐसी कोई समस्या नहीं। लेकिन या सेब वाले हुए अपना कतरन अपना फेंकते हैं अखबार का, वैसे लोग फेंकते हैं तो स्वाभाविक है कि थोड़ी देर के लिए और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के। दिलजीत भाई, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बताना चाहेंगे कि कांटी में साफ सफाई की जो व्यवस्था हम लोग किए हैं, मैं आपको जीपीएस कैमरा का मैं दिखा रहा हूं, मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा उसको बोल्ड कीजिएगा। कांटी का जो व्यवस्था है, सुबह 6 बजे से दिलजीत भाई हम लोग रात के 8 से 9 बजे तक यह काम करते हैं। मैं दिखाता हूं आपको यह जीपीएस लोकेशन का, मिनट भेज दूंगा। सुबह 6 बजे से हम लोग नियमित तौर पर लगातार रात के 8 बजे पर तक त्वरित सफाई का काम चलाते हैं। कचरा जो होता है वो प्रत्येक दिन निकलने का चीज़ है। यहाँ पर आप सब लोग प्रकाश जी समझ रहे हैं कि कचरा जो है सो प्रत्येक दिन निकलने का काम होता है, और हमारा टीम सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बाज़ार का 3-3 बार सफाई करते हैं। और हम लोग एक विशेष आज से अभियान चला रहे हैं। यह विशेष अभियान जो ग्राम पंचायत है, जो बरसों से ग्राम पंचायत का अंग था, इस सिस्टम को हम लोग जो आप देख रहे हैं, जो नेचुरल कचरा जो नहीं है, जो खेती का जैसे धान ये आपको केला का पेड़ हुआ, इस तरह से जो भी चीज़ है अगल बगल में फेंका हुआ, दीपावली और छठ पर्व के महापर्व को देखते हुए हम लोग के कांटी की नगर परिषद के यशस्वी कांटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री दिलीप कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग आज से विशेष महाअभियान का शुरुआत कर रहे हैं। इस अभियान के तहत हम लोगों ने संकल्प लिया है कि कांटी के वार्ड नंबर 1 से लेकर 26 तक जो भी कचरा या बरसों से ही जमा हो, उस कचरा को हम लोग हटाएंगे और साफ करेंगे और कांटी को क्लीन कांटी ग्रीन कांटी का हम लोगों ने जो माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक नारा दिया है, उस स्लोगन को पूरा करेंगे और कांटी को हम लोग 24x7 का सर्विस देंगे। हम लोग इसके लिए एक टोल फ्री नंबर के साथ साथ कार्यालय में सुबह 6 बजे से लेकर और शाम के 6 बजे तक एक कर्मी हमारे उपलब्ध रहेंगे। जहां से भी कांटी के 2600 वार्ड से कोई भी कंप्लेन आएगा कि हमारे इर्द गिर्द में यह कचरा पड़ा हुआ है, हमारे कर्मी 2 घंटे के अंदर में उसको निष्पादन करने का कार्य करेंगे। अगर बड़ा समस्या होगा, नाला का समस्या होगा, उसको 24 घंटा के अंदर में करेंगे। छोटा समस्या होगा उसको हम लोग 2 घंटा के अंदर में। कुछ लोग साजिश के तहत बाहरी तत्व है जो परेशान करना चाहते हैं, जो खास जगह नहीं बताते हैं और सीधे कहते हैं कि मेरे पूरे वार्ड में नहीं हुआ है। तो अब उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हर एक जगह सफाई कर्मी उपलब्ध हैं। जीपीएस लोकेशन का फोटो है, कैमरा है, और आपको अगर कहीं गिला सिकवा और शिकायत है, आप कार्यालय में लिखित आवेदन हमारे कर्मी को दीजिए। अगर 2 घंटे के भीतर आपका त्वरित कार्रवाई नहीं होगी तो मैं माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी सजा मुझे देनी है हमारी संस्था उसके लिए सदैव तैयार है। मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि कांटी जो पुराना चौक है, वहाँ सुबह 6 बजे से लेकर और रात के 8 बजे तक 3 बार सफाई का काम होता है, और तीनों बार का जीपीएस लोकेशन का कैमरा से फोटो खींचा हुआ है सफाई करते हुए, ऐसी कोई समस्या नहीं। लेकिन बाजार का इलाका है, हमारे कर्मी सुबह में साफ करके जाते हैं, दुकान खुलती है, एक नेचुरलिटी है कि जैसे ही दुकान खुलेगा कि वहाँ पर अपने दुकान से लोग जो भी जैसे पन्नीक हुआ या सेब वाले हुए अपना कतरन अपना फेंकते हैं अखबार का, वैसे लोग फेंकते हैं तो स्वाभाविक है कि थोड़ी देर के लिए कुव्यवस्था जरूर फैलेगी। लेकिन हमारे कर्मी उसको फिर सेकेंड टाइम में उसको उठा लेने का काम करते हैं और 3 बार बाजार की सफाई हम लोग करा रहे हैं सुबह से शाम तक।